अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ असमत आशवानी मशीन महल्ला जेलम से हाज़िर है। नाज़रीन, हम हमेशा ऐसी शख्सियात की तलाश में रहते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई एम बनाया, मकसद बनाया, और फिर उसके बाद वो तारीख के अवराक पे अमर हो गए। दुनिया उनके काम को तस्लीम करती है, बहुत अच्छा जानती है। एक ऐसी ही 87 साला शख्सियत जिन्होंने तमाम उम्र अपने 3 शोबों में तकसीम की, तहरीके पाकिस्तान के लिए काम किया, और फिर उसके बाद फोटोग्राफी की, और फिर अल्लाह का उन पे करम हुआ, उन्होंने कैलीग्राफी की, कुरान पाक की तस्वीर, कुरान की शान, मुसलमान का ईमान, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया, और फिर उनके काम को तस्लीम किया गया, ना सिर्फ जेलम के अंदर पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड मिले, मुख्तलिफ लोगों ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी बात है कि जब हकूमती सतह पे आपको तस्लीम किया जाता है और उसकी शक्ल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होती है, वो भी इन्हें मिला। आज उसी शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मैं उनके लिए एक ऐसी बातचीत, एक ऐसा इंटरव्यू करूं जो आम आदमी तक पहुंचे। मोहम्मद रफ़ीक अवैसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि मेरी आपसे मुलाकात तय हो। मैं आपके काम को, जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम है, कुछ आप अवैसी साहब मुझे अपने बचपन के बारे में बताएंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ हासिल की? पैदा मैं यहीं जेलम में, बल्कि इसी मोहल्ले में पैदा हुआ हूँ, और तालीम जो है वो मेरी एफ़ए तक रही है, वो तो माना तालीम के सूल के लिए निस्बतन आसान था, आज अकल के लिए आज से बेहतर। फिर मेरा बेसिकली मेरा ख़ानदान जो है वो मजहबी रुझान रखता है। मेरे वालद साहब, एक हल्का सा वाक्य आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे जेलम के शानदार चौक में कुछ 2-3 हिंदू फोटोग्राफर, वो जो वो थे, कैमरे होते थे, वो हाथ डाल के और वो तस्वीर बनानी और ये वो, मैं शौक से उनके पास, ईद का दिन था, मैं वालद साहब से कन्नी कतरा के वहाँ चला गया, उनसे एक फ़ोटो खिंचवा ली। 4 आने उन्होंने लिया फ़ोटो, वापस आया तो वाले साहब कहने लगे, तो माद में तुम मेरे साथ मौजूद नहीं थे, कहाँ थे? तो मैंने कहा जी कि मैं ये फ़ोटो खिंचवाने लिया था, ये देख लीजिए। उन्होंने कहा दिखाएं फ़ोटो। फ़ोटो दे, कितने पैसे दिए उसने? जी 4 आने, 4 थप्पड़ रसीद किए और 4 टुकड़े तस्वीर का किए कि खबरदार, जाएँ फ़ोटो का नाम भी लिया तो। अच्छा, स्विस वाले, इसलिए कि मेरा घराना मजहबी था, खुदा की शान देख लें, उसी में नाम पैदा किया मैं, उसी में नाम पैदा किया। आपके वाले साहब क्या करते थे? वाले साहब जब हम ये दुकानदारी थी, और फिर वो फौज में भी मुलाजम रहे, टैंक फिटिंग फिटर थे, बहुत बड़े अच्छे जिया, तो उनको काम रहे, अलग अरीके रहमत करे, फौत हो चुके, अरसा हुआ जहाँ, लेकिन बहुत मजहबी रुझान था। यानी हम ये कहें कि आप जब प्राइमरी में थे, इब्तदाई तालीम में थे, आपको उस वक़्त भी तस्वीरें या फोटोग्राफी का ये काम अच्छा लगता था? ये इस उसने इतफाक़ कह लीजिए कि फ़ोटोग्राफी का शौक़ कह लें, मैं कि तकरीबन पाकिस्तान बनने के करीब करीब मेरा ये शौक़ शुरू हो चुका था प्रैक्टिकली। या बहुत मामूली उस वक्त बॉक्स कैमरे होते थे कोडक का, ख़ास तौर पर उनसे तस्वीरें बनानी और ये करना, बच्चों की तस्वीरें बनानी, ये करना, ये इब्तदा थी जी, ये इब्तदा थी। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस पर इसको इम्प्रूव किया अपने काम को। उस वक़्त पाकिस्तान टाइम और अलर्टेड वीकली ऑफ पाकिस्तान, ये 2 बड़े मशहूर थे, वो रसाला था और ये अखबार थी, ये इन्होंने फोटोग्राफी की कंपटीशन शुरू की थी। फिर उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वो ज़्यादा आया, अच्छे अंदाज में फोटोग्राफी करने का मौका मिला। तो आपका कोई उस्ताद था इसमें? कोई उस्ताद था, किसी से सीखा या खुद ही?
एक्चुअली अलीजा आप, मैं क्लियरली बात आपको बताऊँ, कोई फ़न भी जो होता है ना वो खुदा की देन होती है। अगर वो इंसान उस रास्ते पे चल जाए तो अपना नाम पैदा कर सकता है, वो अचीवमेंट हासिल कर सकता है, लेकिन उसको किसी उस्ताद की भी ज़रूरत नहीं होती जिंदगी। मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि जो कुछ मेरे पास था, ख़ास तौर पर यह फोटोग्राफी या ये कैलीग्राफी, मेरा दोनों में कोई उस्ताद नहीं है। यानी आप रफीक साहब ये समझते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं? गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, और उस गॉड गिफ्टेड चीज़ पर अगर इंसान ज़िंदगी में अमल कर ले तो वो कामयाब हो जाता है, लेकिन अगर उसने इतफाक से बैड लक के वो उस पर काम तो नहीं कर रहा, किसी और तरफ चल पड़ा है, तो ही विल बी द फेलियर। अच्छा एक और अवैसी साहब जी, कि अल्लाह पाक के जी हम नाम देखते हैं, शान है उसमें, 99 नाम हैं, हर नाम की अपनी अहमियत है, अफादियत है, अलमुसव्विर भी है, तस्वीर बनाने वाला। तो जब एक तस्वीर बनाई जाती है अल्लाह के उस मखलूक की, उस खूबसूरत चेहरे की, तो लू लगी हो तो उसको आप मज़ीद खूबसूरती देते हैं, तो उस मुसव्विर के साथ आप उसके काम को आगे बढ़ा रहे थे। ये आपसे गुजारिश करता हूँ, सनराइज और सनसेट बड़े क्लास की चीज़ें होती है खुदा की पहचान के लिए। सुभान अल्लाह, मुझे अब शायर का नाम तो याद नहीं, वो कहता है कि अगर इंसान सिर्फ सुबह शाम का मंज़र देख ले तो खुदा की खुदाई का यही नाम, यही यानी तुलुए आफ्ताब और ग़ुरूबे आफ्ताब। ग़ुरूब ये मेरा पेट सब्जेक्ट भी रहा है इसमें। फिर फेस स्टडी, फिर हमारी जो विलेज लाइफ है, इसको जो अब हमारी एक्चुअली लाइफ थी, अब तो वो विलेज ख़त्म होता जा रहे हैं, कुछ बहुत कम हो गया है, शहरी आबादी ज़्यादा होने पर, लेकिन वो लाइफ ख्वातीन ने गड़े उठाए हुए हैं, वो जा रही हैं। यानी इस तरह का जो मुसवराना काम था, तख्लीकी काम था, वो आपने किया और ये आज खुद होता रहा, मुझसे आज खुद होता रहा, तहरीक पैदा, मैं खुद यानी खुद इस तरफ चल पड़ता रहा हूँ, किसी के कहने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए। अच्छा नहीं, ये तो हम देखते हैं ना कि अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं, वली होते हैं, पैगंबरों पे वही आती थी, नेक लोगों को, वलियों को इशारा मिलता था, जो उसके मानने वाले हैं उनके जहन में ख्याल पैदा होता है, ख्वाब आते हैं, तो आपको खुद ब खुद एक राह मिल जाती। चाचा जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि शायर जो है वो अपने शायरी की तख्लीक करता है, शेर की तख्लीक करता है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। मैं आपको बिलयकीन ये बात अर्ज करता हूँ, मेरे ध्यान में तस्वीर का पहले खाका तैयार होता था। मिसाल के तौर पर मेरा एक शाम को भेड़ बकरियाँ वापस आ रही हैं, कुरान की अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, कुरान का मैं महीना डेढ़ महीना इस पे सिर्फ इसको उनको रिसर्च इसी पे जाता रहा हूँ, यहाँ पे तक 7-8 मील दूर गांव है, वो जाता रहा हूँ फोटो खींच जी। तो शाम का मंदिर गायें वैसे वापस आ रही हैं, चरवाहे हैं, वो एक छोटी कंधे। अच्छा, अब ऐसी सब उसमें एक और चीज़ होती है कि सुबह जो वो भेड़ बकरियों का रेवड़ है, जानवरों का जंगल की तरफ जाता है, तो अगर हम उसको देखें तो वो कदम भारी भारी घर से बाहर जा रहा है, लेकिन जो वापसी है चरवाहे के साथ उनकी, जो चेहरे पे खुशी है, लगन है घर की तरफ आते हुए, और ये तो सारी इंसानियत की मेराज उन्हीं चीज़ों में नज़र आ जाती है। 1992 में फोटोग्राफिक रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड ने अच्छा एक्फा इंटरनेशनल ट्रॉफी का कंटेस्ट शुरू किया था, मुकाबला शुरू किया था, 72 कंट्रीज ने उसमें हिस्सा लिया था, 72 कंट्रीज के फोटोग्राफर ने उसमें हिस्सा लिया था, 72 कंट्रीज के फोटोग्राफर हिस्सा लिया था। अच्छा मैंने भी हिस्सा लिया, और वो ही तस्वीर मैंने भेजी जो भेड़ बकरियां शाम को वापस आ रही हैं। वाह वाह वाह,
और उसी ने पहला इनाम हासिल किया फिर उस 72 कंट्रीज में उस मैन ने वो ट्रॉफी विन की थी। अच्छा ये कहाँ पे हुई थी, कब हुई? लंदन में हुई थी, लंदन में रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के जेरे तहत ये मुकाबला। और ये कब की बात है? 1992 नवंबर 1992 में आपने ये मैं देख रहा हूँ कि आपकी पूरी ये जो अलमारी है ये मेटल्स से भरी हुई है। मैंने आपका फोटो स्टूडियो देखा जो वो अवार्ड से भरा हुआ है। कुछ मुझे आपके बच्चे बता रहे थे कि अलमारियों में भी ये अवार्ड, कुछ तादाद याद है कितने अवार्ड आपने ले? कुछ याद नहीं रहे, बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा लगा कर रहा है। अच्छा एक बात ध्यान से, मैं दसों का तो कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन अवार्ड लिया मैंने, मिसाल को एक साल मैंने 4 अवार्ड लिए हैं। तो मैं जब कहता था वैसे ही आइंदा साल तुमने 8 लेने हैं, देन आई विल वर्क फॉर दैट। फिर मैं उस पर जब काम करता था, यानी अचीवमेंट बढ़ के आगे, ये नहीं कि 4 लिया तो फिर अगले साल 2 लिया, नहीं ये नहीं हो सका। फिर मैंने 4 ही लिए, 8 लिए हैं, 8 से फिर 12 हुए, 12 से 16 हुआ है, इसी तरह प्रैक्टिकली इसी तरह हुआ है। बहुत वर्क किया मैंने। सोते वक्त जैसा शायर सोचता है कि मैंने ये शेयर करना, ये मैं सोचता था आज इस तरह ये फोटोग्राफी का ये माहौल होना चाहिए, फलां चीज़ उधर होना चाहिए, फलां उधर होना चाहिए, जेलम का दरिया और बोट्स और फिर ये रेत निकालने का मंजर, ये मेरा पेट सब्जेक्ट रहा है। ये भी आपने खूबसूरत अशकाल बनाई, फिर आपने अवार्ड लिए, फिर उसके बाद हमने देखा कि आपके काम को तस्लीम किया गया। एक सूफी, एक दरवेश, एक फकीर मंश, एक ऐसा शख्स, मैंने आपके वो रहन सहन को, चाल ढाल, तो सारी चीज़ें आप में नज़र आती हैं। दुनियादारी आपने इतनी ज़्यादा नहीं की, नहीं अल्लाह से लू लगाई, नमाज, रोज़ा, वुज़ू में रहना और साथ इसका इजाफा कर दूँ तो शायद अल्लाह को सिर्फ ये दिखावा नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह की अनायत है कि तजद कभी कदा नहीं हुई। सुभान अल्लाह, ये कितने सालों से जी? और तकरीबन 500 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तस्वीर रोज करता हूँ, सब अल्लाह का कर। इन्ना लाहा अला कुले शैन कदीर, वो कुवत देता है। 87 साल की उम्र में कभी तहज्जुद कजा नहीं हुआ, और तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए तूने मुझे ये तौफीक दिया, 2 नफल उस शुक्राने के पढ़ता हूँ कि ये तेरी वजह से मैंने तहज्जुद पढ़ी है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये 2 नफल शुक्राने के मेरी तरफ से अल्लाह कबूल फरमाओ, यही मेरी जिंदगी है। खूबसूरत स्टोन आप पहनते हैं, कितना जबरदस्त, इस पे ये मार्क भी कोट पे लगा हुआ है, ये फोटोग्राफी सर्टिफिकेट ऑफ अमेरिका है। अच्छा इन्होंने मुझे 5 स्टार का रैंक दिया हुआ है फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने, के और यह 3 साल दुनिया के टॉप 25 फोटोग्राफों में मेरा नाम रहा बाई द रिकॉग्निशन ऑफ रॉयल द फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका। फिर या ये दिया, फिर गैलेक्सी अवार्ड लिया, ये बहुत बड़ा काम था गैलेक्सी अवार्ड लेने, और 4 अवार्ड मैंने गैलेक्सी अवार्ड भी लिए। मैं कह सकता हूँ यकीन के साथ पाकिस्तान में किसी के पास फोटोग्राफर के पास गैलेक्सी अवार्ड नहीं है, यकीनन नहीं है, और मैंने 4 लिए। अवैसी साहब इतने बड़े ममालिक, इतनी आपकी इज्जत अफजाई, आपके कौम को देख के ये सब कुछ आपको मिला, तो यकीनन आफर ये भी आई होगी कि आप हमारे मुल्क में रहें, हम आपको नेशनैलिटी देंगे, लेकिन आप इसी मशीन में अल्लाह की गलियों में आप भी आते जाते हैं, ठुकरा दिया सब कुछ। देखिए वतन से मोहब्बत, इस गली से, इस शहर से, इस जेलम से। मैं यूरोप में गया था जी, उस वक्त मेरी उम्र 23 साल की थी, यंग ब्लड, 23 साल, 57 की बात है, 63 में वापस आ गया। वहां पे एक फोटोग्राफर था, उसके स्टूडियो था, ऑक्सफोर्ड स्टूडियो था, उनमें काम किया। मैं उसके बाद मैंने कहा जी मैं फोटोग्राफर हूँ तो मुझे कुछ जॉब चाहिए। वो मुझे देख कर लगा कि
यू कल्ड मैन, हाउ मच यू नो अबाउट फोटोग्राफी? मैंने कहा एवरीथिंग। कहता व्हाट डिड यू से? मैंने कहा एवरीथिंग अबाउट फोटोग्राफी। कहता ओके, मुस्कुरा के कहने लगा ओके कल कम टुमारो। मैंने चल, मैंने कहा चलो अच्छा जॉब मिल जाएगी फोटोग्राफी की। अब 23 साल 24 साल की उम्र में मैं ये दावा कर रहा था और वो मुझे कल्ड मैन समझ कर वो कह रहा था कितना बेवकूफ़ आदमी है। मैं दूसरे दिन एक एल्बम तैयार की थी मैंने 8 इंच बाई 10 इंच साइज के तस्वीरों की अपनी, वो दूसरे दिन मैं साथ ले गया। मैंने चलो मैं साथ ले जाता हूँ, अलग जाए बड़े मज़े की बात है ये, साथ ले गया। दूसरे दिन मैंने कहा लीजिए साहब मैं आदर हो गया हूँ, आपने कहा था कल आपना लगा है मेड ए जोक विद यू, आई एम नो जॉब फॉर यू। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। मैं कहा लुक एट माई एल्बम, दिस इज माई फोटोग्राफी। कहना वो यस, उसने मुझे दिल लुभाने के लिए किया। खोली पहला सफा, दूसरी खोली, फिर उसे देखा, उधर देखे इधर देखे, तीसरा सफा, कह रहा है ये फोटो सारे आपने खींची है? मैंने कहा फ्रॉम टेस्टिंग टू पिक्चर मेकिंग दी पिक्चर दिस इज ऑल माय वर्क। वाओ गुड, माय गॉड। कहना ओ माय गुडनेस। कहना ओके यू हैव जॉब, यू हैव अ जॉब, कम टुमारो। मैंने कहा नो आई डोंट वांट योर जॉब, लुक यू मस्ट हैव ए टेस्ट, यू टेक माय टेस्ट, हाउ कैन यू बिलीव दीज आर माइन पिक्चर। मैंने कहा मेरा टेस्ट लो, कैसे यकीन है कि मेरी ही पिक्चर? ये देखिए अलीजा, ये मेरा यकीन था फोटोग्राफी पर, ये मेरा कॉन्फिडेंस था फोटोग्राफी पर। मैंने कहा मेरा टेस्ट लो। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फन है आपका, ये अगली नस्ल तक भी कन्वर्ट हुआ आपका वरसा? नहीं, वो उस सतह तक, उस सोच और फिक्र तक मेरी औलाद में कोई भी नहीं गया। एक्चुअली मैंने पहले अर्थ किया ना, ये सिर्फ खुदा की देन होती है। ये जरूरी नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं आप औलाद भी आपका वही काम करें। अब हो सकता है उनको अल्लाह ताला ने कुछ और वधियत किया हो, किसी और फन में उनको जो दिया हो, आप उसे मजबूरन दूसरी फन में डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, छोड़ दें उन्हें भाई। अच्छा अब ऐसे सब आपने जिंदगी पूरी इन तीन कामों को दे दी, तो कोई तशनगी है कि शायद मैं कुछ और करता, कोई कमी पेशी रह गई? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी ऐसी ख्वाहिश दिल में पैदा नहीं। पूरा सुकून के साथ बिस्तर पर सोता हूँ तो 2-3 मिनट में मुझे गहरी नींद आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि बातें तो जब तक मुझे भी लगता है कि मैं अगर घंटों आपके साथ बैठा रहूँ, आपके पास बातें भी बहुत हैं, लेकिन हम जैसे दुनियादारों के लिए भी तो आपका कोई मैसेज होना चाहिए कि दिल की तसल्ली कैसे। मैं अमूमन बच्चों को कहता हूँ यार, मेरे दोस्त यार को बैठता हूँ, मैं कहता भाई एक बात याद रखो, वक्त की कदर करो, वैल्यू ऑफ टाइम जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जो लम्हा गुजर रहा है वो गुजर रहा है, जो लम्हा गुजर रहा है वो गुजर रहा है, वक्त की कदर करो। जो कुछ करना है वो कल पे मत छोड़ो, करो, डू इट नाउ, वक्त गुजर रहा है, कल पता नहीं क्या होगा, कल तुम्हें क्या यकीन होगा कल क्या होगा या नहीं होगा। टाइम वैल्यू जो है उसकी कदर, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ यार वक्त की कदर करो, बस वक्त की कदर करो, यही मेरा बस अमूमन गुफ्तगू में अमूमन जब कोई बात इस मौजू पर होती है तो यही कहता हूँ, बस वक्त की कदर करो, वक्त को ज़ाया ना करो। जो लम्हा गुजर गया वो गुजर गया, कभी वापस नहीं आएगा, यही मेरा। मैं चाहूँगा कि एक और बात आप मुझे बताएं। जी फरमाए। कि बहुत सारी चीज़ें आपने कर ली, बहुत सारी चीज़ें आपके नसीब में आ गई। बंदा कहता है ना कि ये चीज़ जिस तरह एक मुसलमान है नमाज रोज़ा हज ज़कात ये उसकी ख्वाहिश होती है, कभी रोज़े रसूल पे जाने के इत्तफाक हुआ हज पे गए ये ख्वाहिश है? कभी हज पे गए ख्वाहिश? 3 दफ़ा अल्लाह की करम नवाज़ी से मैंने खाने काबे की ज़ियारत की है। 92 में जो कर वो अवार्ड मुझे मिला था फोटोग्राफर 72 कंट्रीज का, जो तो लंदन में उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं गया, वो अवार्ड लिया, वापसी पे मैं सऊदी अरब आया, उमरा करके यहाँ आया। उसके बाद फिर मैं
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेने के 2 साल बाद फिर मैं हज के लिए गया 96 में। 96 में, फिर ना फिर सन 2000 में, 1990 सन सन 2 तारीख हुआ ना जी, फिर आपका फिर मैंने रमजान मुबारक वहाँ गुजारा और वहीं पे ईद गुजारे। इस तरह ये 3 दफ़ा मैं गया हूँ। और यकीन कीजिए, पहली दफ़ा जब वहाँ गया हूँ तो मैं सिगरेट नोशी बड़ी करता था, और सिगरेट भी मैं इस तरह पीता था, आप ये यहाँ पे रख के। अच्छा, जब तलब हुई मुझे, अकेला था, तलब हुई मुझे इसकी सिगरेट की, मैं बाहर निकला खाना खाने के लिए भी और सिगरेट लिया। अब मुझे वहाँ पे मक्के में कोई वो दुकानदार नजर ना आया, वो बड़ा इधर उधर मैंने घूमा, पता नहीं क्या बात है, अल्लाह को क्या मंजूर आया मुझ पे। मैंने कहा यार क्या गधे की तरह इधर उधर घूम रहे हो, सिगरेट नहीं मिला? नहीं मिला, मैं सीधा वापस दौड़ आया खाने काबे पे, बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया था मैंने क्या करना है। सीधा वापस आया खाने काबे के दरवाजे के सामने खड़ा होकर मैंने कहा या अल्लाह आज के बाद मेरे मेरे ऊपर तंबाकू नोशी हराम करम कर, तू मेरी मदद फरमा। वो दिन और आज का दिन सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। वक्त की कदर की आपने बात की, मैं चाहता हूँ एक मैसेज और दें, क्योंकि मेरे कैमरे की वसादत से पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक और मैसेज दें कि फ़ख्र की ज़िंदगी फ़ख्र की ज़िंदगी है, इस हवाले से कोई मैसेज हो जाए। मेरे पास ये वो करोड़ों अरबों वाला मामला कौन है, आम सा इंसान हो और दरमियाने तबके से मेरा तल्लुक है। एक बात जो है ना, वो कभी मैंने किसी को देखकर उस तरह बनने की ख्वाहिश नहीं की। किसी के मैंने जेब में देखा उसके उसका उसके लाखों हजारों नोट पड़े हुए, उसको कार अल्लाह ने सब कुछ नसीब किया, कारें भी नसीब किया, सब कुछ किया, लेकिन जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया इससे बढ़कर मैंने हिरस नहीं की, इससे बढ़कर मैंने तमन्ना नहीं की। मैंने कहा जो तो उन्हें दे दिया है मैं उस पर राजी हूँ बस। और इंसान के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, उसके सुकून कल्ब के लिए जो अल्लाह आपको दे दे उस पर मुतमइन हो जाए बस। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहेगी कि मेरी जल्द दोबारा आपसे मुलाकात हो। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं हमेशा सोचता था, मैंने मज़मून पढ़ा बचपन में कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, और मेरा यही अकीदा था कि इंसान की ख्वाहिशात हमेशा बढ़ती रहती हैं। बुद्धा भी यही कह रहा था कि दुनिया दुखों का घर है और उसकी वजह ख्वाहिशात। तो मेरी हमेशा एक ख्वाहिश रही, मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलूं जो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर पे मुकम्मल यकीन के साथ अपनी ज़ात में खुश हो। आज मैं अवैसी साहब से मिला, मेरे दिल को तस्कीन हुई। वो शख्स जिसको मैं तलाश कर रहा आज मैंने पा लिया, और उसका मैसेज मैं आप तक कन्वे करूँगा कि यकीनन वही लोग कामयाब हैं, वही तारीख के अवराक पे महफूज रहते हैं जो अल्लाह की खुशनूदी के लिए उसके दिए हुए अहकाम के तहत हिर्स और लालच के बगैर खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं, तब वो रफ़ीक अवैसी बनते हैं। मेरी दुआ है कि हम भी इसी तरह के सच्चे और खरे इंसान बने, ताकि लोग हमें हमेशा याद रखें। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को जेलम से दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।